हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री अनटोल्ड। सो बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और टॉपिक है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। नाउ रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स को मैं स्टार्ट करूं, इससे पहले कुछ चीज़ों को देखते हैं और कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों ने अब तक देखा कि किसी भी गैल्वेनिक सेल को आप जब बनाते हो, आपको दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को लेना पड़ता है, एक जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, एक जहां पे रिडक्शन होता है। इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको रिडक्शन हाफ सेल कहा जाता है। इसकी पोटेंशियल को ई नॉट ऑफ रिडक्शन का लिखा जाता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल को, और इसकी पोटेंशियल को ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन लिखा जाता है। अब अगर मैं उसको रिडक्शन के टर्म्स में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे माइनस साइन डालना पड़ता है। पूरी सेल पोटेंशियल अगर मैं यहां गैल्वेनोमीटर लगाता हूं, दिस विल बी योर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, दोनों के वोल्टेज को ऐड करके बताता है, दैट इज ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। बट मुझे दोनों ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के टर्म्स में नहीं चाहिए, मुझे दोनों सिर्फ रिडक्शन के टर्म्स में चाहिए। बाय डिफॉल्ट हमने रिडक्शन को चूज किया है, तो हम क्या करते हैं भाई, जो भी ऑक्सीडेशन वोल्टेज है उसको जब रिडक्शन के टर्म्स में कन्वर्ट करते हो तो माइनस साइन लगाते हो। अब ये माइनस साइन के साथ ये क्या हो जाता है, माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अब ई नॉट ऑफ रिडक्शन इज नथिंग बट कैथोड का, और ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन जिसको रिडक्शन में कन्वर्ट किया है, दैट इज ई नॉट ऑफ एनोड। तो आपका जो सेल गैल्वेनोमीटर है वो क्या करता है, आपके दोनों सेल के वोल्टेज को माइनस करके बताता है, दैट कैथोड माइनस एनोड, वो भी रिडक्शन के टर्म्स में। एक्चुअली देखा जाए तो वो ऐड कर रहा है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, पर बोलते समय हम ऐसे कहेंगे कि उसने कैथोड में से एनोड को माइनस किया, और फिर उसका जो भी आंसर आएगा दैट आंसर कम्स आउट टू बी इन वोल्टेज। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, प्रॉब्लम ये है कि गैल्वेनोमीटर आपको कभी ये नहीं बताएगा कि ऑक्सीडेशन का कितना है, कभी ये नहीं बताएगा रिडक्शन का कितना है। वो क्या करेगा, रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन वाली वोल्टेज को माइनस करके बताएगा, आई मीन टू से कैथोड के वोल्टेज को जो कि रिडक्शन के टर्म्स में होगी, उसमें से एनोड की वोल्टेज को माइनस करके आपको फाइनल आंसर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ आपके पास और मेरे पास के जो आपके पास भी कुछ पैसे हैं, मेरे पास भी कुछ पैसे, और हम दोनों के बीच में 10 रुपये का फर्क है। मतलब अब जब भी कोई मुझसे पूछेगा बताओ फर्क कितना है, तो आप कहोगे 10, यानी योर मनी माइनस माय मनी कम्स आउट टू बी 10। मैं डिफरेंस बताता हूं, मुझे डिफरेंस से लेना देना नहीं है, मुझे चाहिए कि आप मुझे किसी तरीके से सिर्फ सिंगल सेल का, सिंगल हाफ सेल का, दैट इज सिर्फ ऑक्सीडेशन का या सिर्फ रिडक्शन का वोल्टेज बताओ। आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगल सेल, सिंगल हाफ सेल वोल्टेज, तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन हाफ सेल वोल्टेज, और हाफ सेल वोल्टेज को कहा जाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ना अगर मुझे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, यानी मुझे करना क्या है, मुझे एक सिंगल इलेक्ट्रोड लेना है, मुझे एक ही इलेक्ट्रोड चाहिए। अब वो ऑक्सीडेशन का है कि रिडक्शन का है मुझे फर्क नहीं पड़ता, वहाँ ऑक्सीडेशन होगा तो भाई वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर वहाँ रिडक्शन हुआ है तो रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू कंप्लीट सेल पोटेंशियल, आई एम इंटरेस्टेड और इवन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द डिफरेंस बिटवीन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। मुझे इसके और इसके रिडक्शन पोटेंशियल के डिफरेंस में कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए सिंगल सेल का वोल्टेज कितना है, जिसको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। ना अगर आपको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो आप कुछ थर्मोडायनामिक्स का यूज करते हो, थर्मोडाइनमिक्स का यूज़ करते हो, और वहाँ कहीं ना कहीं हम गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स इक्वेशन का यूज़ करते हैं, हम फेराडेज कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। अब ये क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, मैं उस चीज़ को फिलहाल इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा। आप मेरे उस अनदर वीडियो में जो बनाने वाला हूं, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से हम किसी सेल का एब्सोल्यूट वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, उसके स्टेप्स या प्रोसीजर क्या हैं। फिलहाल हमने क्या किया, हमने एक सेल को पकड़ा और उस सेल को हमने पकड़ के उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला। तो जो पहला सेल हमने पकड़ा जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला गया वो था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमने एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लिया, दैट वाज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस पे रखा। नाउ जब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे रखा, आप सबको पता है स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब होता है 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होना चाहिए, और आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट 298 केल्विन होना चाहिए। तो हम उस इलेक्ट्रोड को जो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है, उसका शॉर्ट फॉर्म हमने रख दिया SHE, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाउ ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने बनाया कैसे, सिंस वहां पे हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व्ड है, तो आपने एक प्लेटिनाइज प्लेटिनम प्लेट लिया जिसको नीचे से आपने उसको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप दिया, और उसके ऊपर फिर आपने प्लेटिनम ब्लैक चिपका दिया। नाउ ये आपका प्लेटिनम प्लेट है जिसके ऊपर आपने प्लेटिनम
ब्लैक लगाया हुआ है ना, इससे होता क्या है, ये प्लेटिनम ब्लैक लगाने का रीजन ये है कि इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब होने वाला है. दिस इज द हाइड्रोजन गैस दैट इज गोइंग टू एड्जॉर्ब. ये एड्जॉर्प्शन ज्यादा हो इसलिए आप प्लेटिनम ब्लैक लगाते हो. प्लेटिनम ब्लैक का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है. हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा कि जो चीज जितनी ज्यादा फाइन पार्टिकल्स में होती है या जितनी ज्यादा सरफेस एरिया उसका बढ़ता है उतना ज्यादा उस पर गैसेस का एड्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होता है. उसके बाद हमने क्या किया, यहां पर हमने एक ग्लास का इसको कवरिंग दे दिया. ये ग्लास का कवरिंग इसलिए दिया क्योंकि मैं अंदर गैस को इंसर्ट करने वाला हूं. और इस तरीके से कुछ हमने इसको बनाया और फिर इसको हमने इस कंटेनर के अंदर डिप कर दिया. और इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने HCl का सॉल्यूशन लिया. सिंस मुझे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है, आई हैव गॉट H प्लस एंड आई हैव गॉट Cl माइनस. नाउ यहां पर भी मेरे पास हाइड्रोजन है जो चिपका हुआ है. मेरे पास दो ऑप्शन है. अब अगर मैं यहां पर अंदर हाइड्रोजन गैस डालना स्टार्ट करता हूं, दिस विल बी हाइड्रोजन गैस. ये हाइड्रोजन गैस अंदर जाना चाहिए, ये हाइड्रोजन गैस प्योर होना चाहिए, ये हाइड्रोजन गैस ड्राई होना चाहिए और 1 atmospheric प्रेशर पे अंदर जाना चाहिए क्योंकि मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे काम कर रहा हूं. ओके. उसके बाद जब हाइड्रोजन गैस अंदर चला जाएगा तो जो सोल्यूशन होना चाहिए, दिस सोल्यूशन शुड बी 1 molar HCl. ये HCl का 1 molar सोल्यूशन होना चाहिए. एंड आपको पता है HCl एक गैस होता है जिसको हम पानी में डिसॉल्व करके उसका सोल्यूशन बनाते हैं. तो 1 molar कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना सबसे बड़ा और सबसे रिस्की और सबसे डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि 1 molar मेंटेन करना इज क्वाइट डिफिकल्ट. HCl इवोपरेट हो जाता है बहुत जल्दी. आप इवोपरेट कहो या उसको मैं कहूं वो उड़ जाता है बहुत जल्दी, निकल जाता है बिकॉज इट्स इन गैसियस स्टेट. नाउ मुझे यहां पर दो रिएक्शन दिखाई देते हैं. पहला रिएक्शन, दो कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस होते हैं. कॉम्पिटिटिव रिएक्शन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने पहले के वीडियोस में पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है. नाउ डिपेंडिंग अपॉन कौन सा रिएक्शन ज्यादा होता है सेल पे वो वोल्टेज आता है. पहला रिएक्शन यहां क्या होता है, चिपका हुआ हाइड्रोजन बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्या बन के आएगा, एच प्लस. और सोल्यूशन का एच प्लस बन के जाके चिपकने की कोशिश करेगा किस में, एच टू में. तो कौन सा रिएक्शन होगा सर, पहली बात तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और क्या बन के बाहर आना चाहेगा, 2 times एच प्लस प्लस 2 electrons. और दूसरा रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, रिवर्स. पहले रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, दूसरे रिएक्शन को रिडक्शन कहा जाएगा. अनफॉर्चुनेटली यहां पर रिडक्शन रिएक्शन फेवर होता है और उस रिडक्शन रिएक्शन की वजह से रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इसकी वजह से इस सेल पे पॉजिटिव और सॉल्यूशन में नेगेटिव जमा हो जाता है क्योंकि क्लोरीन रह जाता है और आपका पूरा का पूरा हाइड्रोजन जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन का रिडक्शन इज द फेवर्ड रिएक्शन. उस वजह से ध्यान से सुनना, उस वजह से यहां जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, द EMF दैट इज डेवलप्ड ओवर हियर, ई नॉट ऑफ SHE और वो भी कौन सी रिडक्शन वैल्यू, वो निकल के आती है 4.44 प्लस माइनस 0.02. अब ये प्लस माइनस 0.02 इज अनसर्टेंटी, यानी 4.44 तो है, प्लस माइनस 0.02 ऊपर नीचे हो सकता है. नाउ यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग, SHE का वैल्यू तो जीरो होता है तो मैंने 4.44 कैसे लिया. आई नो इसका आंसर थोड़े टाइम के बाद देता हूं कि कहां से हाइड्रोजन का वैल्यू 0.00 आ जाता है. आपने 0.00 वोल्टेज सही पढ़ा पर आपने बुक्स में कहीं एक स्टेटमेंट मिस किया, आर्बिटरीली फिक्स्ड वैल्यू है वो, वैल्यू जीरो नहीं है, उसको हमने आर्बिटरीली फिक्स ये मान लिया है. समझने की कोशिश करते हैं. तो सर यहां से मुझे एक चीज फिक्स हो गई कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन को अगर नॉर्मल छोड़ दिया जाए तो वो रिडक्शन करना पसंद करता है. तो लेट मी राइट ओवर योर रिडक्शन अगेन. ये रिडक्शन मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये मुझे बताएगा कि इट लव्स डूइंग रिडक्शन. ओके, उसका रिडक्शन रिएक्शन फेवर्ड है. अब एक काम करते हैं, एक बहुत सिंपल सा काम करते हैं कि हम यहां हाइड्रोजन को लेते हैं और ये मानते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन करने वाला है. नाउ हम क्यों मानते हैं भाई हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन करने वाला, मान लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, मुझे पता है वो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा पर मान लेते हैं कि वो ऑक्सीडेशन करता है और उसको एनोड की जगह बैठा देते हैं. ठीक है, सो मैंने यहां पर एक सेल, मैं यहां एक सेल बनाने वाला हूं, इस चीज को समझिएगा बहुत ध्यान से. मैं यहां पर एक सेल बना देता हूं और ये सेल मेरा हाइड्रोजन का होगा. मैं बार बार अब वही कंटेनर नहीं ड्रॉ करता हूं, मैं इस तरीके से हाइड्रोजन को बना देता हूं और ये प्लेटिनाइज प्लेटिनम प्लेट मैंने लगा दिया है, ये कंटेनर है और मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं गैल्वेनोमीटर की मदद से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के पास. अब ये जो इलेक्ट्रोड है मुझे नहीं पता ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, मैं इसको नाम दे देता हूं एक्स और इसको नाम देता हूं ये मेरा SHE है. अब मुझे एक और चीज़ पता है कि मेरे SHE का ई नॉट ऑफ SHE जो कि उसका रिडक्शन वैल्यू है वो वैल्यू है 4.44. मैं अनसर्टेनिटी को थोड़ी देर के लिए निग्लेक्ट कर रहा हूँ. मुझे इसका वैल्यू कितना है, ई नॉट ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है वो भी रिडक्शन का मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क है.
आई डोंट नो, मुझे भाई SHE का पता चल गया, मैंने थर्मोडायनामिक्स का मदद लिया, उसका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने ढूंढ के निकाला, मुझे X का पता करना है, मैंने X का नहीं निकाला, मैं क्यों करूं, मतलब ठीक है ना, मैंने SHE का निकाल दिया है ना। अब मुझे पता है E naught of सेल का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी E naught ऑफ कैथोड माइनस E naught ऑफ एनोड, ये सब रिडक्शन के टर्म्स में होगा, एवरीथिंग दैट आई एम गोना राइट नाउ ओवर हियर विल बी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन। ये फॉर्मूला आपको बताता है कि कैथोड और एनोड के रिडक्शन में कितना डिफरेंस है, दिस विल टेल यू डिफरेंस इन रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड एंड एनोड। आप इसको इस तरह भी, आप इसको ई ऑफ सेल मत समझो, इसको ऐसे समझो कि कैथोड और एनोड के रिडक्शन में कितना फर्क है, ठीक है। अब जब मैं वैल्यूज को पुट अप करता हूं और जब मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया, सिंस गैल्वेनोमीटर मुझे दोनों का डिफरेंस बताने, भाई वो धृतराष्ट्र की तरह, उसको नहीं पता इसका कितना, उसको सिर्फ इतना पता डिफरेंस कितना है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा कि जो डिफरेंस निकल के आता है, द डिफरेंस कम्स आउट टू बी प्लस 0.153, यानी ये इसका डिफरेंस निकल के आता है। ये तो ए हो गई एक कंडीशन, ओके ये एक कंडीशन है। सर दूसरी कंडीशन लेते हैं, दूसरी कंडीशन में मैंने फिर से SHE को लिया है, मैं बहुत छोटा बना रहा हूँ, मैंने फिर से SHE को लिया है, यहाँ पर मैंने पुटअप किया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, मैंने यहाँ दूसरा इलेक्ट्रोड लिया जिस पे मैंने, मुझे नहीं पता ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, मैं इसका नाम रख देता हूँ वाई, आई डोंट नो हु इज दिस, ये मेरा SHE है, मुझे पता है SHE है। अब मुझे पता है E नॉट ऑफ सेल जो होता है, यानी दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं और क्लब करने के बाद अगर मैं गैल्वेनोमीटर की मदद से दोनों का वैल्यू निकालूं, तो इट विल बी E naught ऑफ कैथोड माइनस E naught ऑफ एनोड। और इसका आंसर निकल के आया, जब मैंने सॉल्व किया, जब मैंने प्रैक्टिकली देखा, तो इसका आंसर निकल के आया -0.763। ना अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या समझा यहां से, आप इन दो चीजों को देख के या इन दो कंडीशंस को देख के क्या इंटरप्रेट कर सकते हो? सर मैं इससे यह इंटरप्रेट कर सकता हूं कि मुझे एक चीज बहुत आसानी से पता है कि E नॉट ऑफ एनोड का मतलब होता है, ये जो वैल्यू मैंने यहां लिखी है भाई, ये तो SHE की होने वाली है, यहां पर भी जो मैंने ये वैल्यू लिखी है वो किसकी होने वाली है, SHE की वैल्यू होने वाली है। मतलब मैं किसी भी X में से SHE की वैल्यू को माइनस करूंगा, किसी भी Y में से SHE की वैल्यू को माइनस करूंगा, और मैं देखूंगा X और SHE के रिडक्शन पोटेंशियल में फर्क कितना है, Y और SHE के रिडक्शन पोटेंशियल में फर्क कितना है। यहां मैंने SHE को एनोड एज्यूम किया है कि मान लो वो ऑक्सीडेशन कर रहा होता, अब समझ में आ रहा है ना मैं क्या करता हूं ना, तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर आंसर पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब आप मुझे बताओ E naught of cathode, दिस इज E naught of cathode एंड दिस इज E naught of anode, कैथोड में से अगर एनोड करके आंसर प्लस आता है, दैट सिंपली मींस E naught of cathode इज ग्रेटर देन E naught of anode, मतलब E naught of cathode का वैल्यू E naught of anode से ज्यादा है। अरे सर तभी तो आंसर 0.153 आया है, कितना ज्यादा है सर, कितना ज्यादा होगा भाई, सीधी सी बात है, दिस विल बी 4 point, क्योंकि मेरे को पता SHE का कितना होता है 4.4, तो ऑब्वियसली ये 4.4 में प्लस 0.153 हुआ होगा, माइनस 4.44 हुआ होगा, भाई जो भी इसका आंसर है ये उससे उतना टाइम्स बड़ा होगा। अब जब इसको मैं सॉल्व करूं, लेट मी सॉल्व दिस आउट, मुझे उम्मीद है आपको ये दिखाई दे रहा है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 4.593 माइनस 4.44 और आंसर विल बी प्लस 0.153। सर देख रहे हो कुछ, तो मुझे उम्मीद है कुछ समझ में आया। सर सिमिलरली इसके साथ करते हैं, जब मैं इसके साथ करता हूं आंसर नेगेटिव में आ रहा है, अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है और अगर SHE का वैल्यू फिक्स है, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि यहां पर E naught ऑफ कैथोड और E naught ऑफ एनोड में फर्क ये हुआ होगा कि E naught ऑफ एनोड ज्यादा हुआ होगा, तो आई कैन से E naught ऑफ एनोड इज ग्रेटर देन E naught ऑफ कैथोड। तो मैं इसको यहां लिखता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि E naught ऑफ कैथोड इज लेस देन E naught ऑफ एनोड, यहां एनोड बड़ा है, यहां पर एनोड छोटा था, यहां एनोड बड़ा है, यानी एनोड का अब वाई के कंपैरिजन में एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और वाई का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यहां पर कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मोर रिडक्शन, और मैं यहां लिख सकता हूं लेस रिडक्शन,
यहाँ जब लिखूंगा तो मैं यहाँ इसको इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसका मैं लिख सकता हूँ लेस रिडक्शन, और मैं यहाँ लिखूंगा इसके बारे में मोर रिडक्शन। अब जब मुझे पता है कि ये रिडक्शन कम कर रहा है तो इसका ई का कैथोड का वैल्यू कम होगा। अरे सर कितना कम होगा? उतना कम होगा कि माइनस करने पे आंसर कितना आना चाहिए, 0.763। मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे 4.44 माइनस 0.763 माइनस 4.44, इसका आंसर कितना आएगा 3.677 माइनस 4.44 और आंसर विल बी माइनस 0.763। दिस इज द आंसर। नाउ सर दो आंसर मिले मुझे, मेरा पहला आंसर जो मुझे मिला वो ये था, ये मुझे पहला आंसर मिला और ये मुझे मेरा सेकेंड आंसर मिला। इन दो चीज़ों से मुझे क्या समझ में आया सर? इन दो चीज़ों से मुझे बहुत कुछ समझ में आया। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, सबसे पहला इंटरप्रिटेशन मैं यहाँ से ये निकालूंगा कि सर यहाँ पे सिंस रिडक्शन ज़्यादा था और यहाँ रिडक्शन कम था, मतलब ये ऑक्सीडेशन करेगा और ये रिडक्शन करेगा, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 0.153 प्लस, मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है, ये ज़्यादा रिडक्शन कर रहा है, ये कम रिडक्शन कर रहा है। उसके बाद जब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता चलता कि Y कम रिडक्शन करता है और X ज़्यादा SH ज़्यादा रिडक्शन करता है, तो आंसर ऐसा होगा ये ज़्यादा रिडक्शन करेगा और ये कम रिडक्शन करेगा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा -0.763। तो क्या हुआ सर? हाँ तो सर अब एक काम करेंगे, मैं बार बार x का और y का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालूंगा, तो इसका कोई सोल्यूशन है क्या? सर है, और इसका सोल्यूशन ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, लेट मी रब दिस आउट। सर इसका सोल्यूशन ये है कि आपने यहां जो किया, ये जो किया दैट वॉज e नॉट ऑफ सेल वॉज इक्वल टू e नॉट ऑफ कैथोड माइनस e नॉट ऑफ एनोड, दैट वॉज इक्वल टू 4.593 माइनस 4.44, एम आई करेक्ट? यही किया आपने, जिसका डिफरेंस कितना निकल के आया प्लस 0.153। सर एक काम करते हैं, अगर मैं कुछ ऐसा करूं, अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि e नॉट ऑफ एनोड की वैल्यू को जीरो मान लूं, अगर e नॉट ऑफ एनोड की वैल्यू को जीरो मान लूं तो मुझे बताओ आंसर क्या? तो इसी चीज को आप कैसे लिखोगे? तो आप इसी चीज को लिखोगे e नॉट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू, जब ये 4.44 था तब आंसर वाज 4.495 फॉर कैथोड, ये किसके लिए है? x के लिए, ये किसके लिए है? SHE के लिए। अब जब मैं इसको जीरो मानूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0.153 माइनस जीरो, दैट कम्स आउट टू बी प्लस 0.153। सर दिस इज what I wanted to say, मैंने क्या किया है, मैंने SHE की वैल्यू को जीरो एज्यूम कर लिया है कि अगर वो जीरो है तब बताओ मेरा वोल्टेज कितना होगा। जब वो 4.44 था, when SHE was 4.44 उस समय मेरा वोल्टेज कितना था 4.593, डिफरेंस कितना था 0.153। अब अगर ये जीरो होगा तो मेरा कितना होगा 0.153, मैं उससे ज्यादा हूं, तो दिस 0.153 का मीनिंग ही यही होता है कि कैथोड और एनोड का डिफरेंस 0.153 का है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि x का वैल्यू 0.153 है, this simply means the difference is 0.153। I hope आपको समझ में आ रहा what I'm trying to say, the difference is 0.153 when this is zero। सर सेम केस में मैं यहां करता हूं, मैं यहां पे क्या करता हूं, मेरा e not of cell जो है वो क्या है, e not of cathode minus e not of anode, मैंने ऐसे किया, this will be equal to, अब मैं क्या करता हूं, मैं SHE को जीरो मान लेता हूं, तो SHE को जीरो मानूंगा तो आपका ये कितना था, this was 3.677 minus 4.44 था, तब आंसर कितना आ रहा था minus 0.763। अब अगर इस चीज को मैं ऐसे कर दूं, e not of cell will be equal to, इस टर्म को जीरो मानूं तो डिफरेंस, सर डिफरेंस तो वही रहना चाहिए ना, तब आंसर क्या हो जाएगा 0.763, दिस विल बी माइनस 0.763 एंड दिस विल बी माइनस जीरो। अगर ये माइनस जीरो है तो आंसर कितना आएगा माइनस 0.763। मतलब ये आपको क्या बताता है, ये माइनस आपको क्या बता रहा है सर? ये माइनस आपको ये बता रहा है कि कैथोड और एनोड को जब कंपेयर करते हो तो कैथोड कम है और एनोड ज्यादा है। कैथोड कितना कम है? 0.763 से कम है, यानी इसके और इसके में डिफरेंस इज 0.763। यहां पर
इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, 0.153, यानी ये ज़्यादा है और ये कम है. मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन, अगर कैथोड और एनोड का डिफरेंस पॉजिटिव में आता है, अगर कैथोड और एनोड का डिफरेंस पॉजिटिव में आता है, दैट सिंपली मींस कैथोड हायर रिडक्शन पोटेंशियल पे है और एनोड लोअर रिडक्शन पोटेंशियल पे है. उस समय कैथोड रिडक्शन करेगा पर एनोड क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसका वैल्यू कम है. अगर आंसर नेगेटिव में आता है, अगर कैथोड माइनस एनोड का आंसर नेगेटिव में आता है, दैट सिंपली मींस कैथोड लोअर रिडक्शन पे है और उसके मुकाबले एनोड इज एट हायर. कितना हायर है, जो डिफरेंस है दैट विल टेल यू कि कितना ज़्यादा वो रिडक्शन करेगा कैथोड के मुकाबले. मतलब उस समय आप जिसको कैथोड मान रहे हो वो एक्चुअली अब कैथोड नहीं है, वो एक्चुअली करने क्या वाला है, वो करेगा ऑक्सीडेशन, तो उसको बनना क्या चाहिए, एनोड. तो सर यहाँ पर ये ध्यान से सुनना. सो यहाँ पर जो मैंने माना कि देखो सर आंसर यहाँ नेगेटिव में आया, दिस नेगेटिव आंसर का मीनिंग होता है कि ये बंदा, अब तुमने भाई इसको अगर जीरो मान लिया है तो ये जो भी वैल्यू आई रहेगी, ये वैल्यू किसकी हुई होगी, ये डिफरेंस बताएगा. और उस डिफरेंस को, जस्ट माइंड इट, उस डिफरेंस को हम कहते हैं वो उस सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है. तो सर यहाँ हमने अलग अलग एक्स के लिए और वाई के लिए करके एक काम करते हैं. आपको पता है ये x कौन है, ये जो x मैंने ऊपर लिखा हुआ है, एक्चुअली ये x कोई नहीं है, ये x कॉपर है, यानी ये कॉपर का रॉड था और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था. आपको पता है ये y कौन है, ये y कोई नहीं है, ये जिंक है और ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था. तो जिंक का रिडक्शन करने का पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है और कॉपर का रिडक्शन करने का पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा, तो एक काम करो इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल में लिखो. तो सबसे ज्यादा है रिडक्शन कौन करेगा, कॉपर, उससे कम कौन करेगा, हाइड्रोजन, और सबसे कम कौन करेगा, जिंक. तो अगर जिंक और हाइड्रोजन को क्लब अप किया जाए तो ऑक्सीडेशन कौन करेगा, जिंक करेगा, रिडक्शन कौन करेगा, हाइड्रोजन. और अगर हाइड्रोजन और कॉपर को क्लब अप किया जाए तब रिडक्शन कौन करेगा, कॉपर, और ऑक्सीडेशन कौन करेगा, हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन करेगा कि रिडक्शन करेगा वो डिपेंड करता है आप किसके साथ क्लब अप कर रहे हो. तो सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां से निकाला, मुझे उम्मीद है कि इसमें जो मैं समझाना चाहता हूं वो आप तक पहुंचा है. अगर नहीं समझा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर नहीं समझ में आया, मैं और सिंपल वर्जन निकालने की कोशिश करूंगा जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आए. तो सर इस वीडियो से हमने जो देखा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि हाइड्रोजन का एक्चुअल वैल्यू जीरो नहीं होता. हाइड्रोजन का जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो 4.44 होता है. हम उसको जीरो मानते हैं और उसको जीरो मान के अगर मेरा वोल्टेज जीरो है, अगर तुम्हारा मुझसे कम है, तो योर वोल्टेज माइनस माई वोल्टेज विल बी अ नेगेटिव नंबर. इफ योर वोल्टेज इज हाई तो योर वोल्टेज माइनस माई वोल्टेज विल बी अ पॉजिटिव. हायर माइनस लोअर विल बी अ पॉजिटिव, लोअर माइनस हायर विल बी अ नेगेटिव नंबर. तो जब भी दो वोल्टेज के, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के अगर मैं किसी का वोल्टेज में डिफरेंस निकालता हूं और अगर वो डिफरेंस नेगेटिव आता है, दैट सिंपली मीन्स कि सामने वाले बंदे का रिडक्शन करने का पावर कम है. अगर हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के अगर मैं किसी का डिफरेंस निकालता हूँ रिडक्शन में और अगर उसका रिडक्शन का वैल्यू डिफरेंस पॉजिटिव आता है, दैट सिंपली मींस कि उसका इज रिडक्शन का हायर वैल्यू एंड माइन इज रिडक्शन का लोअर वैल्यू. सो जब भी आप डिफरेंस निकालोगे आप सामने वाले में से हाइड्रोजन को माइनस करोगे. इफ़ यू आर एट हायर वोल्टेज रिडक्शन ज़्यादा है, मेरा रिडक्शन कम है, आंसर पॉजिटिव आएगा. आपका रिडक्शन कम है, मेरा रिडक्शन ज़्यादा है, तो योर माइनस माइन आंसर विल बी अ नेगेटिव नंबर. सो अगर डिफरेंस ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू अगर माइनस है, दैट मीन्स वहाँ पर सामने वाला बंदा कम रिडक्शन कर रहा है. और इस पूरे चीज़ में मैंने हाइड्रोजन को क्या मान लिया, रेफरेंस, और हाइड्रोजन को मैं क्या मान के चल रहा हूँ, मान लेता हूँ अगर ज़ीरो होता तब बताओ तुम्हारा मुझसे कितना ज़्यादा. अगर 4.44 है तो तुम में और मुझ में कुछ तो डिफरेंस आएगा. अगर मैं ज़ीरो हूँ तो वो डिफरेंस जो होगा दैट विल बी दिस. मुझे उम्मीद है समझ में आया. यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आएगी जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.